हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबी फिटनेस। और कल जैसा कि हमने वीडियो डाला था ट्राइसेप्स का, तो आज हमारा चेस्ट का डे है। तो मैं चेस्ट की एक्सरसाइजेस बताऊंगा बिगनर्स को लिए भी और जो हमारे पहले से ज्वाइन करे हुए हैं जिम, लड़के बच्चे जो भी हैं उनके लिए। तो बिगनर्स के लिए वो वेट वाइज अकॉर्डिंग टू अपने वेट के अनुसार ले लेंगे कितना वेट लेना है। तो टोटल चार एक्सरसाइज बताऊँगा मैं आपको, और उन चार एक्सरसाइज से आप अपनी चेस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पम्प कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका अपना एबी फिटनेस चैनल है उसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, टोटल चार एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस होगी। इंक्लाइन बेंच प्रेस में क्या होता है कि जो बेंच आपने देखी होगी, बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। अभी मैंने इसमें 10-10 किलो के वेट लगाए हैं, तो वेट मैंने इस अकॉर्डिंग से लगाए हैं कि मैं ईजिली आपको 15 रेपिटेशन 16 रेपिटेशन करके दिखा दूँ। इसके आपको तीन सेट्स लेने हैं, और तीन सेट्स में 14, 12 और 10 का सेट लेना है, और इस हिसाब से आपको रिपीटिशन लेने हैं और इस हिसाब से सेट लेने हैं ताकि आपके ये रिपीटिशन पूरे हो जाएं आराम से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और कुछ लोग You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions are... तो दोस्तों, ये इंक्लाइन हमने मार ली है। इसके बाद हम लोग ये जो इंक्लाइन बेंच प्रेस मारी है ना, ये अपनी अपर लेवल चेस्ट के लिए काम करती है, मिडिल और लोअर के लिए चेस्ट के लिए। जो हमारी सिंपल बेंच प्रेस है, स्ट्रेट बेंच प्रेस ये होती है, मैं चाहूँगा एक बार दिखा दिया जाए। तो इसमें भी हमने 10-10 का वेट लगाया है। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जैसे हमने उसमें तीन सेट्स लिए थे इसी तरह से हम इसमें भी तीन सेट्स ही लेंगे, 14, 12 और 10 का। वेट अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप इजीली लगा सकें उस वेट के अकॉर्डिंग ही आपके रिपीटेशन काउंट होंगे। तो ये वाली मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बेंच प्रेस है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck? मैंने आपको कम रिपीटेशन करके दिखाया है, बट जो आपको मैंने जितना काउंट बताया आपको उतना ही करना है। कई बार क्या होता है, जितने भी बिगनर्स हैं या जो जिन्होंने नया नया जिम ज्वाइन किया है, तो उन पर बैलेंस नहीं बन पाता इस पर, इस बेंच पे तो बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज होती है गलत। तो उसका भी एक और ऑप्शन है हमारे पास, अल्टरनेटिव है। तो ये जो है मशीन चेस्ट प्रेस, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी वही बिल्कुल सेम अपना असर करेगी जो वाली अपनी बेंच प्रेस कर रही है। इसको इस तरह You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, मैं हर बार यही कह रहा हूँ। ना ज़्यादा वेट लीजिएगा, किसी के कहने में मत आइएगा, या किसी और अच्छे बॉडी बिल्डर को देख के आप अगर वेट बढ़ाते जा रहे हैं अपना कि नहीं मैं भी कर लूँगा मैं भी कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपकी जिम में कोई ट्रेनर है या जिम का ओनर है, उसके अंडर गाइडेंस में ही कीजिएगा। वीडियो बनाना सिर्फ इसीलिए है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस दी जा सके और आपको थोड़ी सी नॉलेज दी जा सके। ये जो भी हमने एक्सरसाइज की है, ये हमारी मिडिल और लोअर चेस्ट दोनों के लिए थी। इसके बाद में एक एक्सरसाइज होती है लोअर चेस्ट की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली एक्सरसाइज होती है, मैं अभी बिगनर्स को ये वाली एक्सरसाइज करने की रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि बिगनर कोई नया आया है जिम में, तो अभी उसकी एनर्जी लेवल और उसका करने का तरीका इतना फास्ट नहीं होता कि वो सारी एक्सरसाइज इकट्ठी कर सके। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं बिल्डर्स, या जैसे अब मैं भी करता हूँ, तो मैं तो 8-10 एक्सरसाइजेज चेस्ट की लेता हूँ। बट हमने ये जो सीरीज़ बना रहे हैं बिगनर्स के लिए जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वाली जो लोअर चेस्ट है ना, ये ईजिली पम्प हो जाती है, ईजिली एक्सप्लोर हो जाती है। तो अभी आप ये वाली ना करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बटरफ्लाई करके भी होती है। बटरफ्लाई मेन एक्सरसाइज होती है और ज़्यादातर ये सब लोगों की फेवरेट होती है, क्योंकि इजीली इसको किया जा सकता है और इजीली इंसान कर लेता है। जो भी नया कभी भी जिम ज्वाइन करता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो सबसे पहले आते ही ये वाली एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, क्योंकि इजीली हो जाती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है, और इसके भी वही रिपीटेशन लेने हैं, 14, 12 और 10। ठीक है, आपने देखा होगा जिम में कई बार लोग ज़्यादा रिपीटेशन लेते हैं, वो अपनी
कहते हैं ना, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी जितनी उनके अंदर क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। बट मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि आप अंडर गाइडेंस ही करें तो ज्यादा बेटर। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck? This exercise ko kehte hain butterfly. Ye basically puri whole chest ke liye hai. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अपने जिम के शेड्यूल में और चेस्ट के एक्सरसाइज में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज पर। दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये जो मशीन है ना, ये मेरी फेवरेट मशीन है, वो इस वजह से क्योंकि इस मशीन में आप चेस्ट की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, इस मशीन में आप बाइसेप्स की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बैक के लिए आप चिन अप पुलअप्स भी मार लेते हैं, ट्राइसेप्स की भी एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं, बैक की भी एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं। तो ये जो मशीन है ना, वो ज़्यादातर सबकी फेवरेट होती है। चेस्ट में हम इसमें तीन सेट्स मारेंगे, लेकिन तीन एक्सरसाइज अलग अलग लेंगे, जिसमें हमारी मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट तीनों काउंट होगी। तो देखो अब क्या है कि हर एक का बताने का तरीका अलग अलग है और हर एक का महसूस करने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं करता आ रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को जो एक्सरसाइज सही लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये गलत नहीं है, ठीक है। हर जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे या जितने भी ट्रेनर होंगे वो सब अलग अलग तरीके से अपनी एक्सरसाइज बताएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी एक्सरसाइज को फॉलो करके अपना बॉडी जल्दी से जल्दी बना पा रहे हैं। मैं ये मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. इसके आपको टोटल तीन सेट लेने हैं, वो ही 14, 12, 10 का। वेट अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। देखिए मैंने कितना कम वेट लगा रखा है, क्योंकि मैं वेट ज़्यादा लगाने पे नहीं ध्यान देता, मैं ये ध्यान देता हूँ कि मेरी एक्सरसाइज सही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, इंसान ज़्यादा वेट लगाता है दूसरों को दिखाने के लिए, अब उसके चक्कर में उसकी एक्सरसाइज की पोजीशन सही नहीं आ पा रही है। तो मैं तो हमेशा जितना मुझसे इजीली हो सकता है उतना ही वेट लगाता हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करता। रिपीटेशन कम मार के दिखा रहा हूँ मैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अभी आपकी ये टोटल चार एक्सरसाइज पूरी हो गई चेस्ट की, जो बिगनर्स के लिए थी। हमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी पूरी बॉडी को शेप में लाना है अभी शुरू में। इसमें आज हमारा इतना ही था, बाकी देखते हैं अब कल नई वीडियो बनाते हैं, और कल कोशिश करेंगे हम आपको शोल्डर्स का दिखाने का। तो वीडियो में हमारे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना ही सबसे बड़ा प्यार है हमारे लिए, बाकी सब्सक्राइब करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ना लाइक करने के कोई पैसे मिलने वाले, और वैसे भी अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मेरे लिए सिर्फ इतना ही अच्छा है कि आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे या शेयर करेंगे तो YouTube पे ये इम्पैक्ट पहुंचता है कि इसकी वीडियो अच्छी लग रही है लोगों को, और वो हमारी वीडियो को आगे और अच्छे लोगों को दिखाना शुरू करता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।